हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ वीरेंद्र कौर। विजय लक्ष्मी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत प्यार दिया है और आगे भी इसी तरह प्यार देते रहिएगा। और आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी। तो आइए चलते हैं किचन में। आज हम बनाएंगे पानी पूरी और खट्टा मीठा पानी। तो चलिए हम बता देते हैं आपको। यह है हमारा एक कटोरी आटा, यह हाफ कटोरी मैदा और आधी कटोरी हमारी सूजी है। और इसके साथ है धनिया पत्ती, अदरक और हरी मिर्ची। और यह है इमली का पानी, इसको हमने बॉइल किया है और इसको रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और ये है हमारे मसाले, ये है चाट मसाला और लाल मिर्च, नमक, हींग, काला नमक और मसाला बनाने के लिए आलू और प्याज, और उसमें डालने के लिए पानी में पकौड़ी और रिफाइंड तलने के लिए। अब मैं पानी पूरी के लिए आटे का डो लगा रही हूँ। इसमें हम ना तो कोई बेकिंग सोडा डालेंगे और ना ही बेकिंग पाउडर डालेंगे, और इसको सख्त गूंदना है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये हमने आटे का टाइट डो लगा दिया है और अभी हम इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। इसको दोबारा से मलेंगे अच्छी तरह हथेलियों से, और अभी इसको रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हमने इमली में से पानी निकाल लिया है। अब हम इसकी मीठे पानी के लिए इसको गैस पर रखेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा इमली का पानी डालेंगे और उसमें डालेंगे हम गुड़। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे कलर के लिए, और थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे, इससे स्वाद अच्छा आता है, और थोड़ी सी काली मिर्च। अब हम इसको पकाएंगे और गुड़ को मेल्ट करेंगे। अब हम इसको 10 मिनट तक उबलने देंगे ताकि इसका जो गुड़ है वो पिघल जाए। अब ये हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम खारा पानी बनाएंगे, जो खट्टा पानी होता है। उसके लिए हम इसमें डालेंगे पुदीना और हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा। अब इसमें हम धनिया डालेंगे। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें इमली का पानी। और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब हमारी ये हरी चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसका हरा खट्टा पानी बनाएंगे। हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। बस अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें हम डालेंगे काला नमक, थोड़ी सी डालेंगे इसमें काली मिर्च, और ये है हमारा चाट मसाला। इसमें चाट मसाला और जलजीरे का पाउडर है, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, और इसमें डालेंगे अब थोड़ी सी हींग स्वाद के लिए, और थोड़ा सा सफ़ेद नमक। अब हम इसको हिला देंगे अच्छी तरह। ऊपर से डालेंगे हम थोड़ी सी पकौड़ी।
और ये हमारा खट्टा और हरा पानी तैयार है। अब हम यहाँ पे हम गुड़ वाला पानी ठंडा हो गया है, अब हम इससे मीठा पानी बनाएंगे। एक गिलास पानी डालेंगे। सफेद नमक डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें काला नमक डालेंगे और इसमें पीसी हुई काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला जलजीरा पाउडर डालेंगे और इसमें थोड़ी सी हम हींग डालेंगे स्वाद के लिए। और अब ये हमारा मीठा पानी तैयार है। हम इसमें थोड़ी सी पकौड़ी डालेंगे और ये हमारा मीठा और खट्टा पानी तैयार है। अब हम आलू का मसाला बनाएंगे पानी पूरी के लिए और इसको अब हम मैश करेंगे। ये स्वाद के लिए है, इसमें डाल देंगे। अब ये हमारा आलू का मसाला तैयार हो गया है। अब ये हमारा डो तैयार हो गया है आटे का, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा और मसलेंगे अच्छी तरह से, तभी पानी पूरी अच्छी तरह फूलेगी। अब हमारा ये आटा देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल मुलायम हो गया है और अब हम इसकी पानी पूरी इसके छोटे छोटे पेड़े करेंगे और इसको हम बेलेंगे। ये पेड़े कर लिए हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि ये हमारे पेड़े साथ में जुड़े नहीं। रखें हमें 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको तलेंगे और यहाँ पे हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है और अब हम इसमें पानी पूरी को तलेंगे। अब हम इसमें पूरी डाल रहे हैं। अगर कोई पूरी ना भी फूले तो कोई बात नहीं। ये देखिए हमारी पूरी हमारी कैसे फूल गई है और अब इसको हम करारा और क्रिस्पी बनाएंगे थोड़ी लो फ्लेम पे। तो हल्के हाथ से दबाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे तो ये फूलती जाएगी, पानी पूरी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ पे ये रेडी हो चुकी हैं, बाकी ये बन रही हैं। एक ही बार सारी फिर निकालेंगे, फिर एक ही बार वो पानी जो बनाया है वो दिखाएंगे साथ में और टेस्ट वगैरह बताएंगे, है ना जी। देखिए ये कितनी क्रिस्पी बन रही हैं, ये देखो कितनी फूली फूली और क्रिस्पी बन रही हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ये पूरी, देखिए क्रिस्पी है। तो ये हमारे पानी पूरी तैयार है और ये तीन नहीं फूली तो चाट पापड़ी भी बना सकते हैं और अब हम इसको सर्व करेंगे। और ये है पानी, मीठा पानी ये है और ये खट्टा पानी है, हरा और ये मीठा पानी है। ये देखिए कितनी करारी बनी है। पानी वाले पानी पूरी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।